मौत भी मरता जग मार का आ रहा है। ओ भाई मारो मारो इसे मारो। मैं अपना हेलमेट ना भाई एक्टिव में धरना चाहता हूँ। क्यों भाई हेलमेट काफी सारे हेलमेट है यार। किसको पहले 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 किसको पहले कितने सारे हेलमेट कंफ्यूजन कंफ्यूजन आ गए हम तो भैया हम तो कंफ्यूजन आ गए हैं। किस में गए इधर में हाँ आगे हैं नहीं मालूम है। हम आए हैं रेडी उसके पास भैया हेलमेट लो। यार कौन सी दुकान थी यार यहीं पे थी सही चीज सेटअप भी चेंज कर दिया शायद सेटअप चेंज कर दिया पता नहीं क्या कर दिया है ये वाला था शायद जावा को देख क्या बना रखा है जावा किधर जाएगा ये देख जावा जावा किधर जावा मैं इधर जावा मैं किधर जावा मेरे ऐसे नहीं मेरे आधा मेरे आधा चलते 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 सामने आ चल तो समझ नहीं आ रहा अभी बहुत कंफ्यूजिंग है अभी तो हेलमेट लेने का। देखने जा रहे हैं।
हेलमेट। तो जो प्रॉब्लम पहले थी वही प्रॉब्लम अभी भी है मेरे SJKM 6 में। तो अभी हम कुछ दिन बाद परसों जाते हैं, एक बार चेक कराते हैं कि हमारा माइक खराब है या कि हमारे ऐसे क्या में ही प्रॉब्लम है। अबे कुत्ते चुप कर जा भाई। फाइनली चुप करा कुत्ता। तो अभी हमें कंफर्म नहीं है कि हमारे माइक में प्रॉब्लम है कि एडिशनल माइक में प्रॉब्लम है कि हमारे एसजे कैम में प्रॉब्लम है। क्यों भाई, तेरा प्रॉब्लम है तेरे एडिशनल माइक में प्रॉब्लम है या जहाँ पे हमारा स्लॉट लगता है जहाँ माइक का माइक के मतलब जो अडैप्टर टाइप का मतलब क्या कहते हैं उसे केबल सी होती है उसमें प्रॉब्लम है या किसमें प्रॉब्लम मालूम नहीं। तो ये रहा हमारा न्यू हेलमेट। तो विंड ब्लास्ट ज़्यादा आ रहा था हमारे हेलमेट में तो हमने सोचा कि हम नया हेलमेट ले लेते हैं कि आप तो उसमें ना है, तो इसलिए हमने नया हेलमेट लिया है। तो अभी हमें कंफर्म भी नहीं है कि हमारे SJKM 6 में प्रॉब्लम है या उसके एडिशनल माइक में प्रॉब्लम है। तो दोनों में से भी किसी में कन्फर्म नहीं है कि किस में प्रॉब्लम है। तो अभी कल परसों चल जाते हैं, एक बजे दोबारा जाएंगे जहाँ से हमने ऐसे SJKM 6 लिया था वहाँ पे जाके फिर चेक कराएंगे कि हमारा SJKM में प्रॉब्लम है या हमारे एडिशनल माइक में प्रॉब्लम है। तो देखेंगे क्या होगा। तो एक सीन बताता हूँ, शायद आपने देख लिया हो। एक जैगवार जा रहा होता है, अरे स्प्लेंडर वाला होता है, अपनी फ्रेंड किसी को बैठाया होगा, लेडीज बैठी थी पीछे, तो पता नहीं कैसे चला रहा, बूम 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 कर गया जैगवार के आगे से लेकर जा रहा है। गजब भाई गजब, ताली इसके लिए, ऐसे राइडरों के लिए। ओके तो अनबॉक्सिंग क्या करेंगे, ये तो वैसे खुला ही हुआ है दिया है। तो हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, लाइक दैट अनबॉक्सिंग। ये है हमारे पास ऐसा कुछ बॉक्स। ओ भाई गिरना नहीं गिरना नहीं। ये रहा हमारा ऐसे न्यू हेलमेट। इसे उतारे नहीं उतारे, बाद में उतारेंगे जब हम इसे पहनेंगे। तो इसके लिए अभी हम इसे रखेंगे अभी कुछ दिन के लिए, जब हमारा रोड ट्रिप स्टार्ट होगा जब इसे पहनेंगे। डिस्काउंट वगैरह करके डबल वाइजर है इसमें, ये फर्स्ट वाइजर, अरे सेकंड वाइजर थोड़ा कलरफुल है मतलब अलग सा दिखता है, इसे पहन के देखते हैं। तो कमेंट में जरूर बताना कि हेलमेट कैसा है और अच्छा है कि नहीं है। अच्छा हुआ तो लाइक कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना, रेड कलर का बटन होगा। तो खुल जा बाबा। तो अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ घंटा बजाना मत भूलना दूर से। बूम। बाय बाय।
तेरी मामा नाती साथा कहाँ जा रहा है? फंस गया बाबा यहाँ पे।